और राजवनी कोर्ट के बाहर खड़े हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे, जो वहां का माहौल भी दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ा दी गई है। आपके पास अभी ताजा इनपुट क्या है अमित? देखिए विपनेश, 12 बजे का जो कॉल है आम आदमी पार्टी का पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने का, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे, वहां मार्च करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से चारों तरफ से इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और कई सारे ऐसे नेता हैं जो इस बार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर की तरफ आने से रोक रही है। और कल कई सारे जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, विधायक, पार्षद जो हैं, उनको कल डिटेन किया गया था, उनको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि अगर वो लोग रिलीज होते हैं तो अपने समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर आएंगे और यहां पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन पुलिस ने जो तैयारियां की हैं वो साफ तौर पर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को रोका जाए, पार्टी दफ्तर तक ना पहुँच पाए, क्योंकि जो तैयारियाँ हैं उससे साफ ये जरूर लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ जो राउस एवेन्यू का CBI कोर्ट है वहाँ पर पेश करने की जो तैयारियाँ हैं वो हो रही हैं। लेकिन जो फाइनल कॉल होगा वो CBI का होगा, क्योंकि CBI भी इस बात का आकलन कर रही है कि कितने कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं। अभी एक सबसे रोचक मैं आपको बता दूं, हम जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले कुछ ऑटो से लोग जा रहे थे, ऑटो ड्राइवर का, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ये सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है और आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है, पूरी तरह से एक नया पूरे स्ट्रक्चर तैयार किया है, उससे दिल्ली की जनता जो है इस बात को मानती है कि एजुकेशन के मामले में दिल्ली में जो काम हुआ है वो मनीष सिसोदिया ने किया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी लोगों के बीच में एक इमोशनल पिच है और आम आदमी पार्टी इस बात को भुनाने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव है जहां पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। और ऐसे में मनीष सिसोदिया की इस गिरफ्तारी को, अगर मनीष को पोस्टर बॉय आम आदमी पार्टी बनाती है तो 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। यही वजह है कि अब बार बार इस बात को अपील की जा रही है और कल से जो मैसेज दे रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो साफ कह रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री जो देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने लाखों जो दिल्ली के जो बच्चे हैं उनका भविष्य वो तैयार कर रहे हैं, उनका भविष्य वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसे शिक्षा मंत्री को जो भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने गिरफ्तार कराया है। तो ये पिच जो है वो आम आदमी पार्टी इस वक्त तैयार कर रही है और माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ शुरू होगा। इसके अलावा पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने कॉल किया है, काले दिन के तौर पर ये पूरा आज प्रोटेस्ट होगा पूरे देश में, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो अपने अपने इलाकों में इकट्ठा होंगे और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, CBI को डिसाइड करना है कि किस तरीके से पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की, थोड़ी देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।